हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्नेचर। इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इन दैट लेक्चर वी ऑल्सो डिस्कस्ड व्हाट इज टर्म्स, व्हाट इज फैक्टर्स, व्हाट इज कोएफिशिएंट एंड लेटर ऑन वी हैव डिस्कस्ड मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलीनोमियल। ओके, एंड लास्ट में हमने एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था कि हाउ टू ऐड द एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसको ऐड कैसे करते। ओके, मींस लाइक टर्म होती है ऐड, ओनली लाइक टर्म कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। ओके, तो उसमें हमने वो भी अंडरस्टैंड कर लिया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल एंड बेसिक एक्सरसाइज है जो हमने कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए उसके बेस पे ये पूरी एक्सरसाइज है। ओके, सो बहुत ही इजीली हम इसको सोल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द टर्म्स their coefficient for each of the following expression. तो यहाँ पे total I think 4 expression है इस question number 1 में। अगर आपके पास book होगी तो उसमें 4 expression है, 4 question है, 1, 2, 3, 4। उसमें हमें terms हैं, उसके coefficient identify करने हैं। तो first expression है 5xyz² - 3zy। okay, तो first term यहाँ पे identify करते हैं terms। okay, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ terms। तो terms कौन कौन सी होगी? टर्म्स तो जो एक्सप्रेशन कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अ टर्म। एक्सप्रेशन जो एडिशन ऑफ टर्म्स से बनता है, मींस ओनली एडिशन। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 5xyz² होल। ओके, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे आ गई 5xyz². ओके, सेकेंड टर्म कौन है यहाँ पे? पूरी -3zy। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एडिशन ऑफ टर्म्स से बोला है यहाँ पे होगा, इसको हम इसको लिख सकते हैं 5xyz² प्लस -3zy। ओके, तो ये हो गई ना, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म एड यहाँ पे, तो सेकंड टर्म हमारी क्या है? एक्चुअली -3zy। तो जब भी आपको टर्म गिवन हो, टर्म फाइंड करनी हो, तो विथ साइन लेनी। ओके, तो सेकंड टर्म आ गई मेरी -3zy, तो इट इज द सेकंड टर्म। ओके, -3zy। ओके, अब इसके लिए हमें लिखने कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट क्या होते हैं? अगर आपको लास्ट लेक्चर में याद है, कोएफिशिएंट इज द कॉन्स्टेंट और न्यूमेरिकल फैक्टर। फैक्टर हमें पता है, जो टर्म्स होती है वो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से बनती है। मीन्स इस टर्म में फैक्टर कौन कौन है? 5xyz² में 5xy and z² ओके, दैट आर द फैक्टर्स। इसके अगर आपको फैक्टर्स पूछे, यहाँ पे फैक्टर्स कौन होंगे? 5xy and z, जेड स्क्वेयर में भी एक फैक्टर है, जेड स्क्वेयर को भी इसके फैक्टर होंगे z into z। ओके, इस टर्म में फैक्टर है बेसिकली 5x y z and z, इसे हम फैक्टर कहेंगे। ओके, सेकेंड टर्म में फैक्टर है -3z and y। अब इनमें से हमें सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर जो कि फर्स्ट टर्म में है 5 एंड सेकेंड टर्म में -3, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। ओके, तो इस टर्म में कोएफिशिएंट है 5 एंड यहाँ पे है कोएफिशिएंट -3, है ना? सिंपल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। कोई डाउट स्टूडेंट्स इसमें? बहुत बेसिक है ना, कोई डाउट स्टूडेंट्स इसमें? नो सर। ओके, बहुत बेसिक ही है, इसको आप इसमें में सोल्व करना तो आपके लिए आसानी रहेगी। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म्स एंड फैक्टर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है 1 + x + x² एक्सप्रेशन इज 1 + x + x². सो फर्स्ट टर्म राइट डाउन करेंगे टर्म्स। तो टर्म्स कौन कौन होगी? तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 इज द फर्स्ट टर्म, यहाँ पे है x, सेकेंड टर्म हो गई x एंड थर्ड टर्म हो गई x² ओके, अब हमें लिखने हैं कोएफिशिएंट। ओके, कोएफिशिएंट राइट डाउन कर लेते हैं, सो इट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर। तो यहाँ पे 1 इटसेल्फ अ नंबर है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट वो कोएफिशिएंट ही होता है। ओके, हमें सिर्फ न्यूमेरिकल नंबर चाहिए, तो इस टर्म में जो कोएफिशिएंट होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा। तो याद रखना, जब भी आपकी कांस्टेंट टर्म हो तो उसमें कोएफिशिएंट वो टर्म इटसेल्फ होगी, नंबर ही होगा। ओके, नाउ हियर इज एक्स, तो हमें इसके न्यूमेरिकल फैक्टर चाहिए। यहाँ तो एक्स अकेला ही है, इसमें नंबर कहाँ से ले आए? तो एक्स को अगर मैं लिखूं तो एक्स को मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर में 1 × x, है ना? एक्स को वी कैन राइट इट एज 1 × x। जैसे कि अगर आपको ऐसा पूछे कि 5 के फैक्टर फाइंड करो, नंबर 5 के फैक्टर फाइंड करो, तो फर्स्ट फैक्टर तो आपका यही होगा 1 × 5, है ना? 5 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 × 5, सो 1 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5। तो जब भी आपको इस तरह से x के फैक्टर क्या होगे? 1 and x, 1 × x होगा x।
यहाँ पे बेसिकली जब आपको कोई न्यूमेरिकल फैक्टर नहीं गिवन होता तो फैक्टर क्या आप कंसिडर करते हैं, वन। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा वन, इससे पहले जो होता है वही एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होगा वन। तो क्लियर, यहाँ पे कोएफिशिएंट आ गए वन वन वन। ओके, दीज आर द टर्म्स एंड द कोएफिशिएंट। कोई डाउट इसमें भी कि ऐसे कोई यहाँ पे कोई नंबर नहीं गिवन हो तो इसको कैसे सोल्व करना है? ओके, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यही था कि टर्म्स इन कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं। फॉलोइंग एक्सप्रेशन के थर्ड में जाते हैं, थर्ड में थोड़ा एक्सप्रेशन थोड़ा अच्छे से गिवन है, आपको आइडिया भी है कि इस टाइप के एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ओके, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट राइट डाउन द टर्म्स। ओके, टर्म्स क्या हो? ओके, कोई कह सकता है मुझे टर्म्स इसमें कौन कौन सी टर्म्स है? यस, एनीवन? यस पूजा, यस पूजा, टेल मी व्हिच आर द टर्म्स हियर। 4x स्क्वायर y स्क्वायर, यस, फर्स्ट टर्म है 4x स्क्वायर y स्क्वायर एंड सेकंड टर्म माइनस 4, यस, माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। ओके, सो यस यस गॉट इट। यहाँ पे सेकंड टर्म है, विच साइन लेनी है? सो सेकंड टर्म इज माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड थर्ड टर्म विल बी प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। ओके, इट इज जेड स्क्वायर। नाउ राइट द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट। ओके, तो कोएफिशिएंट्स आर, इस टर्म में कौन कोएफिशिएंट है? कांस्टेंट न्यूमेरिकल फैक्टर, दैट इज फोर, हियर माइनस फोर, here minus 4 and here 1. Okay, so these are the coefficients. Okay, ये हो गए terms and उसके coefficients. Okay, students clear? यहाँ पे भी ये हो गए हमारे terms and ये हो गए हमारे coefficients. Okay, जब मैं पता होना चाहिए. Okay, now fourth में चलते हैं. Fourth में तो terms, terms first write down करते हैं. Terms are, तो terms होगी यहाँ पे. First term है 3. Okay, 3 is the first term. Second term is minus pq. माइनस पी क्यू। ओके, थर्ड टर्म इज क्यू आर, थर्ड टर्म यहाँ पे आ गई क्यू आर। ओके, एंड फोर्थ टर्म इज माइनस आर पी। कभी भी आपको साइन मिस नहीं करनी है, ओके, विथ साइन ही लेनी है टर्म को। अब इसके कोएफिशिएंट भी राइट डाउन कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। ओके, अब तो आप भी बोलोगे सर इसको क्या सोल्व करवाना। तो यहाँ पे आ गए कोएफिशिएंट 3, हियर कोएफिशिएंट क्या होगा? इट इज माइनस 1, याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोएफिशिएंट माइनस 1 होगा क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं माइनस पी क्यू को लिख सकते हैं माइनस वन इंटू पी इंटू क्यू, है ना? तो हो गया माइनस पी क्यू। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर, न्यूमेरिकल फैक्टर कौन है? माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट होगा माइनस वन, हियर कोएफिशिएंट इज वन एंड हियर आएगा माइनस वन। तो दिस आर दी टर्म्स एंड दिस आर दी फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ देयर टर्म। ओके, कोई डाउट इसमें? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। ओके, कि कैसे हम इसको सोल्व करना है। सो नाउ मूव टू दी कैसे टर्म्स एंड कोएफिशिएंट राइट डाउन करना है, आई थिंक सबको क्लियर है। ओके, ओके, नो डाउट्स। सो नाउ, ओके, नाउ मूव टू दी, कोई डाउट हो तो यू कैन टेल मी, ओके, बोल देना। सो नाउ फिफ्थ, अभी भी एक, ओके, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ओके, सिक्स्थ था, ओके, मैं तो मुझे लगा कि फोर ही है, तो अभी यहाँ पे फिफ्थ है, तो फिफ्थ में देखते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म्स राइट डाउन करते हैं। ओके, तो टर्म्स आर, तो फर्स्ट टर्म से x अपॉन 2, है ना, x अपॉन 2। मैंने एक्सप्रेशन के एग्जांपल में ऐसे भी एग्जांपल एक लिए थे, ओके, 1 2 एग्जांपल ऐसे भी थे। तो यहां पे आ गया सेकंड टर्म y अपॉन 2 एंड थर्ड टर्म इज माइनस एक्स वाई। ओके, नाउ कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं, लेट्स राइट द कोएफिशिएंट। सो यहां पे कोएफिशिएंट क्या होगा, एनीवन कैन टेल मी, कोई कह सकता है मुझे? सर यस, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, कौन होगा यहां पे कोएफिशिएंट? यस पूजा, 1 upon 2, यस, 1 upon 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ दिस टर्म, है ना, कोएफिशिएंट 1 upon 2 x लिख सकता हूं इसको। सो 1 upon 2 आ गया ना न्यूमेरिकल फैक्टर, सो इट इज द 1 upon 2। ओके, यहां पे क्या होगा, ये भी एक 2, 1 y upon 2 है, तो यहां पे भी कोएफिशिएंट 1 upon 2 एंड हियर इज 1 2। ओके, सो दिस आर द कोएफिशिएंट, राइट, दिस आर द टर्म्स। ओके, सो क्लियर। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, आगे ही आगे बढ़ाएगा, बढ़ाए जा कदम। ओके, इस सूत्र को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन इज 0.3 है, माइनस 0.6 ए बी प्लस 0.5। ओके,
So let's write the terms first. So terms are okay. Terms are first term is 0.3a. Okay, 0.3a. Second term is minus 0.6ab. Okay, and third term is 0.5b. थर्ड टर्म इज क्या होगी 0.5b. ओके तो तीनों टर्म ऐड होके पूरा एक्सप्रेशन बन रही है. नाउ लेट्स राइट द कोएफिशिएंट. कोएफिशिएंट्स आर इस टर्म में कोएफिशिएंट होगा न्यूमेरिकल क्या है 0.3 तो नंबर जो वही कोएफिशिएंट है. ओके अब आपको पता ही है इट इज -0.6 इस टर्म में कोएफिशिएंट है -0.6. ओके यहां पे कोएफिशिएंट 0.5. सो क्लियर दिस आर द कोएफिशिएंट एंड दिस आर द टर्म. ओके कोई डाउट? नो डाउट. ओके नाउ ओके नाउ मूव टू द ओके क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स एज अ मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल एंड व्हिच पॉलीनोमियल्स डू नॉट फिट इन एनी इफ इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरीज. मींस हमें क्लासिफाई करना है गिवन जो यहां पे पॉलीनोमियल है बहुत सारे पॉलीनोमियल गिवन है उनमें से कौन मोनोमियल है कौन विच इज बाइनोमियल विच इज ट्राइनोमियल एंड अगर इन तीनों में से कोई ऐसा पॉलीनोमियल जो तीनों में से कोई किसी में भी नहीं फिट हो रहा है तो उसको भी हमें राइट डाउन करना है. ओके तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिखते हैं मोनोमियल. हम यहाँ पे ग्रुप कर देते हैं. यहाँ पे आ गया फर्स्ट इज मोनोमियल इसमें हम लिखेंगे जो मोनोमियल होगी. ओके सेकेंड आ गया बाइनोमियल यहाँ पे हम लिखेंगे जो बाइनोमियल होगी. ओके टेबल बना लेते हैं. थर्ड लिखेंगे हम ट्राइनोमियल आप समझ सको विच पॉलिनोमियल इस सबको इसने पॉलिनोमियल ही बोला है. कल मैंने एक्सप्लेन किया था पॉलिनोमियल आर मेनी टर्म्स. मेनी टर्म्स में मोनोमियल भी आ जाएगा बाइनोमियल भी आ जाएगा ट्राइनोमियल अगर मोर देन थ्री टर्म्स है वो भी कंसिडर हो जाएगा. ओके यहाँ पे बोला ही है विच पॉलिनोमियल मीन्स इस सबको इसने पॉलिनोमियल कंसिडर किया है. ओके सो पॉलिनोमियल दैट डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस कैटेगरी एनी इन एनी ऑफ above three categories. Okay. ये आ गया यहाँ पे fourth part. Okay, fourth group. Okay, इसको हम टेबल जैसा बना लेते हैं. It is monomial. यहाँ पे आ गया binomial, trinomial. Okay, इसको. अब यहाँ पे मैं monomial write down करता हूँ. So let's write the first ऐसा नहीं है. First से start करते हैं. इसको मैं यहाँ पे इस तरह से नोट करके एसआरएस में यस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट है एक्स प्लस वाई. तो एक्स प्लस वाई हाउ मेनी टर्म्स आर देयर टू सो इट इज इन द बाइनोमियल. ये होगा बाइनोमियल तो यहाँ पे आएगा बाइनोमियल एक्स प्लस वाई इज अ बाइनोमियल. सेकंड टर्म इज थाउजेंड मोनोमियल वन टर्म है ओनली सो इट इज मोनोमियल तो यहाँ पे आ गया थाउजेंड. ओके थर्ड एक्सप्रेशन है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू प्लस एक्स एस टू फोर. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर वन टू थ्री फोर. टोटल फोर टर्म है तो इन तीनों में से किसी में भी नहीं आएगा तो जो मैच नहीं कर इन तीनों में से जो नहीं आ रहा वो हमारी फोर्थ कैटेगरी. तो यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं. ओके एक्स ऐसा जरूरी नहीं इसको पॉलिनोमियल बोलते हो समझना डिफरेंस. इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते ये भी एक पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल है. ऐसा पॉलिनोमियल है जो इन तीनों कैटेगरी में मैच नहीं हो रहा है. क्या बोल रहा हूँ ये ऐसा पॉलिनोमियल है जो इस तीनों में से किसी में नहीं आ रहा है. ये तीनों भी पॉलिनोमियल ही है थाउजेंड भी एक पॉलिनोमियल ही है एक्स प्लस वाई भी एक पॉलिनोमियल है. क्लियर स्टूडेंट्स उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जो इन तीनों में से किसी में नहीं आ रहा है तो उसको हम कहेंगे नेक्स्ट फोर्थ कैटेगरी ओके एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू फोर आ गया यहाँ पे. नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टोटल थ्री टर्म्स आर देयर तो ये हो गया हमारा थ्री टर्म्स को कैसे क्या कहते हैं इट इज अ ट्राइनोमियल. इसको हम ट्राइनोमियल में लिखेंगे सेवन प्लस वाई प्लस फाइव एक्स. ओके आपको यहाँ से एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल भी पता चलेगा इस टाइप के एक्सप्रेशन पॉसिबल है. ओके हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन टू वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर
इसमें कितने टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? एनीवन कैन टेल मी? यस पलक, टेल मी हाउ मेनी टर्म्स आर इन दिस एक्सप्रेशन? टू. यस, इट इज इन, सो इट विल बी बाइनोमियल. बाइनोमियल, इट विल बी बाइनोमियल. सो यहां पे आएगा बाइनोमियल में 2y माइनस 3y स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट देखते 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब. ओके, यस खुश, टेल मी हाउ मेनी टर्म्स इन दिस पॉलीनोमियल, इन दिस एक्सप्रेशन? खुश, बायोनोमियल. जस्ट मैंने क्या क्वेश्चन आंसरिंग में, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन और इन दिस पॉलीनोमियल, कितनी टर्म्स है यहाँ पे? थ्री टर्म्स है, सो इट वुड बी ट्राइनोमियल. यस, तो यहाँ पे आएगा ट्राइनोमियल. ओके, यहाँ पे सो इट इज 2y माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4y क्यूब. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 5x माइनस 4y प्लस 3xy. तो यहाँ पे भी कितनी टर्म्स है? थ्री टर्म्स. 5x माइनस 4y एंड 3xy, थ्री टर्म्स है, तो कहाँ पे आएगा? ट्राइनोमियल में. तो यहाँ पे लिखते हैं इस 5x माइनस 4y प्लस 3xy. ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4z माइनस 15z स्क्वायर. सो इट इज टू टर्म, यहाँ पे हियर इज टू टर्म, द पॉलीनोमियल विद टू टर्म 4z एंड माइनस 15z स्क्वायर. सो इट वुड बी अ बाइनोमियल. कहाँ पे आएगा? बाइनोमियल. तो 4z माइनस 15z स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए. ओके, सो हियर इज फोर टर्म, 1, 2, 3 एंड 4, देयर आर टोटल फोर टर्म. ओके, सो फोर टर्म इन तीनों में से किसी में भी नहीं आता है, सो इट विल बी इन द फोर्थ कैटेगरी. ओके, जो पॉलीनोमियल किसी में भी नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, है ना. नेक्स्ट देखते हैं पी क्यू आर. सो इट इज हाउ मेनी टर्म्स आर दे? यस एनी वन, हाउ मेनी टर्म्स आर दे? ओनली वन टर्म. ओके, इसका पी क्यू आर है तो इसमें थ्री टर्म्स है, ओनली वन टर्म, अब तो आपको पता ही है. ओके, सो यहाँ पे आएगा मोनोमियल में पी क्यू आर. नेक्स्ट इज पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर, हियर इज टू टर्म्स आर देयर, तो यहाँ पे बाइनोमियल में पी स्क्वायर क्यू प्लस पी क्यू स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट इज 2p प्लस पी क्यू, 2p प्लस 2q. ओके, 2p प्लस 2q, वहां पे भी टू टर्म्स है, तो यहाँ पे भी आएगा बाइनोमियल में 2p प्लस 2q. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से इजी वे में आप इसको सोल्व कर लिए, है ना, बहुत ही इजी वे में, कोई यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी ही नहीं. ओके, तो कोई डाउट इसमें? ओके, नाउ लेट्स मूव टू दी, है ना, सिंपल एक्सरसाइज बहुत ही. ओके, सो नाउ लेट्स मूव दी, एड द फॉलोइंग, हम इसको एड करते हैं. ओके, कैसे इसको एड करना है? तो कल मैंने इस टाइप के एग्जाम्पल देखे ही थे, इसको वन बाय वन एड करते जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर थ्री इज एड द फॉलोइंग. ओके, तो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन है ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए एंड सी ए माइनस ए बी. ओके, ये हो गया हमारा तीन एक्सप्रेशन, इसको एड करना है. ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ एडिशन, एड द फॉलोइंग मीन्स एडिशन. ओके, इज इक्वल टू, इन तीनों को एड कर दो, ए बी माइनस बी सी. आपकी बुक में थोड़ी अनदर वे में दिया होगा, बट मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ आपको, यहाँ पे अच्छे से समझना. ओके, ए बी माइनस बी सी, उसमें एड करना है, ब्रैकेट में राइट डाउन कर दो इसको ऑलवेज, प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया बी सी माइनस सी. ओके, सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया, प्लस उसमें एड कर दो थर्ड एक्सप्रेशन सी ए माइनस ए बी, ये आ गया हमारा थर्ड एक्सप्रेशन. ओके, अब प्लस साइन है तो साइन चेंज होगी नहीं, एज इट इज एड हो जाएगी. ओके, ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस माइनस माइनस सी ए प्लस 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 सी ए प्लस माइनस माइनस ए बी. ओके, अब आपको पता है ऑलवेज लाइक टर्म कैन बी एडेड एंड लाइक टर्म कैन बी सब्ट्रैक्टेड, है ना. तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लाइक टर्म कौन कौन है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पे ए बी इज द फर्स्ट टर्म, इसकी लाइक टर्म कौन है? बी सी इसकी लाइक टर्म है? नहीं है. जो भी अल्जेब्रिक फैक्टर्स होते हैं वो सेम होने चाहिए, टू टर्म्स में या थ्री टर्म्स में, जो भी टर्म है उसमें अगर अल्जेब्रिक फैक्टर सेम है सो इट कुड बी अ, इट कैन बी अ लाइक टर्म, इसे हम कहेंगे लाइक टर्म. ओके, तो ए बी इज द, यहाँ पे एल्जेब्रिक फैक्टर है ए एंड बी,
तो सेकंड इज ऐसी कौन सी टर्म है जिसमें ए भी है, दैट टर्म क्या होगी, वो कह सकते हैं मुझे? यस स्टूडेंट्स, इसकी लाइक टर्म क्या है? माइनस ए बी। यस, आपको फर्स्ट क्या करना है, जब भी आपको एडिशन पूछे ना लाइक टर्म को साथ में लिख दो। ओके, तो इसके ए बी के साथ लाइक टर्म है माइनस ए बी। ओके, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इन दोनों को साथ में राइट डाउन कर देता हूँ। ओके, इज इक्वल टू आ गया ए बी माइनस ए बी। ओके, ये हो गया लाइक टर्म का एडिशन। नेक्स्ट देखते हैं इसकी बी सेकेंड थर्ड टर्म। ओके, बी सी है यहाँ पे, ये दोनों भी लाइक टर्म है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको लिखे बी सी माइनस बी सी एंड प्लस बी सी आर दी लाइक टर्म, इसको साथ में राइट डाउन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया प्लस, ओके माइनस बी सी प्लस बी सी, इसको साथ में राइट डाउन कर दिया। ओके, नेक्स्ट है सी ए एंड प्लस माइनस सी ए एंड प्लस सी ए, इसको भी हम साथ में राइट डाउन कर देते। ओके, सी ए प्लस सी ए, ये दोनों भी लाइक टर्म है। तो ऑलवेज लाइक टर्म कैन बी एडेड एंड लाइक टर्म कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये आ गया इस तरह से। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं, ए बी माइनस ए बी क्या होगा, सेम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही, क्या आंसर आ जाएगा, टेल मी, जीरो है ना। तो ए बी जीरो, ये दोनों कैंसिल हो गई, यहाँ पे जीरो आ गया। माइनस बी सी प्लस बी सी, सब्ट्रैक्शन होकर आंसर आ गया प्लस जीरो। माइनस सी या प्लस सी, आंसर आ गया प्लस जीरो। तो इसका एडिशन का आंसर आया क्या, जीरो है ना। तो बहुत ही इजी वे में सोल्व कर लिया, कोई डाउट इसमें? ओके नो। ओके, सो एडिशन सेकंड देखते हैं, एडिशन इसका एडिशन करके देखते हैं। ये तो बाप भाई सेल्फ ही कर लोगे एडिशन। तो यहाँ पे तीनों टर्म को, तीनों एक्सप्रेशन को, इट विल बी तीनों एक्सप्रेशन को एड कर दो। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज ए माइनस बी प्लस ए बी, ओके प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी, ओके एंड प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ओके, तो यहाँ पे आ गया इस तरह से। नाउ इसको ओपन दी ब्रैकेट, सो इट इज ए माइनस बी प्लस ए बी। मैं ऐसा ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ, क्यों डायरेक्ट ऐड नहीं कर दो, आपको समझ में आएगा जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे ना तब। ओके, अभी आपको लगेगा कि सर एक स्टेप ज्यादा करवा रहे, बट ऐसा कोई नहीं है, हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, कभी भी कोई डाउट वाला पार्ट आना ही नहीं चाहिए जब भी हम बाई सेल्फ करने बैठे, सब सोल्व करने बैठे। ओके, तो ए माइनस बी प्लस ए बी, इसको प्लस 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 बी हो गया, प्लस माइनस माइनस सी हो गया, प्लस 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 बी सी हो गया, प्लस सी माइनस ए एंड प्लस ए सी, लाइक टर्म फाइंड कर लो। ओके, तो यहाँ पे लाइक टर्म फर्स्ट फाइंड करते हैं, ए के साथ ए इज द फर्स्ट टर्म, उसकी लाइक टर्म कहाँ पे है, यस यहाँ पे, सो ए एंड माइनस ए के साथ में राइट डाउन कर दो। ओके, तो मैं फर्स्ट लाइक टर्म जो जो है उसको मैं यहाँ पे फाइंड कर लेते। ओके, जो भी लाइक टर्म है उसको हम यहाँ पे फाइंड कर लेते। माइनस बी, उसकी लाइक टर्म कौन है, यहाँ पे प्लस बी, और कोई पे है बी, नो, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए। मैं सेम मार्कर यूज कर रहा हूँ, ओके, लाइक टर्म के लिए आपको आसानी रहे। थर्ड इज ए बी, ए बी की लाइक टर्म कौन है, यहाँ पे सी बी सी सी, ओके ए सी कोई लाइक टर्म ही नहीं है, तो ए बी अकेला ही है। ओके, उसकी कोई लाइक टर्म ही नहीं है क्योंकि कोई और टर्म में ए बी प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस सी, तो माइनस सी की लाइक टर्म है, यस यहाँ पे प्लस सी लाइक टर्म है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बी सी, बी सी की कोई लाइक टर्म है, नो, बी सी की को भी कोई लाइक टर्म नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एसी, एक बचा एसी, एसी की कोई लाइक टर्म नहीं है। सो क्लियर कौन कौन लाइक टर्म है, कौन कौन अनलाइक टर्म है। जो सेम कलर वाले हैं वो लाइक टर्म है, एंड जो डिफरेंट कलर वाले हैं वो सारे अनलाइक टर्म है। ओके, तो अब हमें पता है ऑलवेज लाइक टर्म कैन बी एडेड। ओके, सो ए के साथ कौन एड हो सकता है, ए, तो दोनों को साथ में लिख दो, ए माइनस ए हो गए। ओके, माइनस बी, उसके साथ प्लस बी एड हो सकता है, सो इट इज माइनस बी प्लस बी। ए बी नहीं एड हो सकता, इसको हम लास्ट में लिखते। ओके, ओके, मैं यहाँ पे सीक्वेंस में फॉलो करता हूँ, प्लस ए बी आ गया, बी तो यहाँ पे कंसीडर हो गया है, माइनस सी, ओके उसके साथ उसका लाइक टर्म प्लस सी साथ में आ जाएगा। थर्ड नेक्स्ट इज बी सी, बी सी की कोई लाइक टर्म नहीं है, तो बी सी अकेला आ गया। नेक्स्ट इज ए सी, सो प्लस ए सी, क्योंकि सी एंड ए तो यहाँ पे कंसिडर हो गए। ओके, तो सेकेंड में तो नहीं लिखते। सो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ए माइनस ए कैंसिल हो गए जीरो। ओके, माइनस बी प्लस बी जीरो हो गया, मैं इसको कैंसिल नहीं जीरो बोल रहा हूँ, क्योंकि सेम अगर टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे, सेम नंबर या सेम वेरिएबल या सेम कोई भी चीज है सब्ट्रैक्ट हो तो आंसर आता है जीरो। ओके, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप माइनस ए प्लस ए को कैंसिल करके भी आंसर क्या लिखोगे, जीरो। ओके, इन दोनों को कैंसिल ही बोलोगे, बट अगर ऐसा आपको टू अपॉन टू हो
इसको कैंसिल करके क्या है, जीरो लिखोगे यहाँ पे, इसको कैंसिल करके वन आंसर आता है, ओके, जीरो नहीं आता क्योंकि यहाँ पे डिवीजन से कैंसिल हो रहा है इसीलिए आंसर वन आएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन से कैंसिल हो रहा है इसीलिए आंसर जीरो आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर ही होगा, बट मैंने जस्ट एक्सप्लेन कर दिया, ओके, अगर नहीं कोई ऐसा क्लियर हो पॉइंट सो इसको नोट करते जाना, ऐसा कोई पॉइंट आपको यहाँ पे मिले कि सर इसको नोट डाउन करने की नीड है तो अपनी बुक में नोट डाउन करते जाना, बहुत ही हेल्प करेगा आपको। तो अब नेक्स्ट देखते हैं ए बी, तो ए बी की यहाँ पे कोई एड हो ही नहीं रहा, ए बी के साथ कोई ए बी आ गया, नेक्स्ट आएगा माइनस सी एंड प्लस सी, कैंसिल होके आंसर आएगा जीरो, ओके। ओके ओके पूजा, ओके, तो यू कैन सी द, यू कैन वॉच द वीडियो, ओके, वीडियो देख लेना टीचर में से, ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, यस प्लस ए बी, उसके बाद क्या आएगा प्लस बी सी, नेक्स्ट इज प्लस बी सी एंड लास्ट में आएगा प्लस ए सी, ये हो गया हमारा आंसर, इट इज द एडिशन के बाद आंसर आएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आया था जीरो बट यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन ही मिला इसको ऐड करके, तो स्टूडेंट्स कोई डाउट यहाँ पे, यस पलक एंड खुश, एनी डाउट? नो सर। क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? ओके ओके, सो ओके मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में मूव करते हैं थर्ड, तो थर्ड में एक्सप्रेशन गिवन है 2p² q² - 3pq + 4, सेकंड एक्सप्रेशन इज 5 + 7pq - 3p² q², ओके इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट तो एडिशन कर लेते हैं, इसका एडिशन ही करना है, ऐड करने को बोला है, एडिशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 2p² q² - 3pq + 4, ओके उसमें ऐड करना है प्लस 5 + 7pq - 3p² q², ओके ये हो गया यहाँ पे ऐड। अब इसको ओपन द ब्रैकेट 2p² q² - 3pq + 4 + 5 + 7pq एज इट इज आएगा क्योंकि प्लस है -3p² q², ओके। अब आपको बताना है कि इसके यहाँ पे लाइक टर्म कौन कौन है, ओके, तो 2p² q² की लाइक टर्म कौन है, 2p² q² की लाइक टर्म कौन है, -3pq है ना, ये दोनों लाइक टर्म है ना, हेलो टेल मी, यस सर, यस खुश, 2p² q² उसकी लाइक टर्म ये होगी 3pq, ये बोथ आर लाइक टर्म, यस -3p² and q square, okay, ye like term hai 3pq wali, this is the like term of this term, iske like term hai, yeah minus 3 aaj ye jo minus p square ye like term hai ya nahi hai, -3pq hai wo is term ki like term hai ya nahi hai, nahi hai, nahi hai, nahi hai, very good, क्योंकि हमें यहाँ पे पी स्क्वेयर है तो वहां पे भी पी स्क्वेयर ही चाहिए, क्यू स्क्वेयर है तो क्यू स्क्वेयर भी ही चाहिए, ओके, वहां पे पी या क्यू नहीं चलेगा, तो इसकी लाइक टर्म है -3p² q², ओके ये दोनों लाइक टर्म आ गए। नेक्स्ट देखते हैं -3pq, अब पलक टेल मी इसकी लाइक टर्म कौन सी होगी, अब तो आपको पता ही चाहिए, बहुत ही सिंपल है, 7pq एंड 4 एंड 5 आर दी ऑल्सो कॉन्स्टेंट जो होते हैं वो लाइक टर्म ही होते, ओके, तो कांस्टेंट होते हैं वो लाइक टर्म होते हैं, उसको भी हम लाइक टर्म बोलेंगे, तो 4 एंड 5 आर दी लाइक टर्म्स, ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, जस्ट ऐड द लाइक टर्म, लाइक टर्म को साथ में लिख देते हैं 2p² q² - 3p² q², ओके। नेक्स्ट है -3pq, इसको मैं ब्रैकेट में नहीं लिखता, एज इट इज ही लिख रहा हूं, और ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, पहले दो में हमने ब्रैकेट में नहीं लिखा है, तो इसको सेम मेथड से फॉलो करते, -3pq + 7pq, ये दोनों लाइक टर्म साथ में आ गए, लास्ट में +4 + 5 है ना। अब इसको इसका आंसर क्या आएगा पता है, 2p² q² - 3p² q², ओके, तो यहाँ पे p² q² कॉमन है, तो p² q² को कॉमन ले लो, इनटू ब्रैकेट क्या रहेगा 2 एंड यहाँ पे माइनस, ओके यहाँ पे देखो pq कॉमन है, सो प्लस pq को कॉमन ले लो, यहाँ पे रिमेनिंग इज -3,
Here remaining is plus 7. Okay. Plus 4 plus 5, 9. Okay. So you have a 2 minus 3 minus 1. Minus 1 means it is minus b square q square. Okay. You have a 7 minus 3, 4. So it is plus 4 pq. And you have a plus 9. Koi doubt is my students? यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2 माइनस 3 माइनस 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 प्लस 4 पी क्यू प्लस 9. कोई डाउट है? यस पलक एंड कुश, कोई डाउट यहाँ पे? एनी डाउट? नो सर. ओके, बहुत सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं ना? नो सर. ओके, सो नाउ यहाँ तक ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, इसका एडिशन का फाइनल आंसर. ओके ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी ऐड करना है, सो ऐड कर देते हैं. एडिशन इज इक्वल टू आ जाएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. ओके, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, प्लस उसमें करना है एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. थर्ड एक्सप्रेशन इज एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ओके, नेक्स्ट फोर्थ एक्सप्रेशन है पूरा 2lm plus 2mn plus 2nl. Okay. Now open the bracket. L square plus m square plus m square plus n square plus n square plus l square plus 2lm plus 2mn plus 2nl. Okay. Now like term find कर लेते हैं. Okay. तो यहाँ पे फर्स्ट एल स्क्वायर, एल स्क्वायर की लाइक टर्म एल स्क्वायर ही होना चाहिए. यस, एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर एम स्क्वायर यहाँ आ रहा है, इज एल स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गए. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एम स्क्वायर की, तो ये दोनों साथ में ही एम स्क्वायर है, और कहीं पे डेट ना ऐसा जरूरी है टू ही लाइक टर्म होगी. यहाँ पे एम स्क्वायर अनदर भी गिवन होता तो यहाँ पे थ्री लाइक टर्म आ जाती. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर यहाँ पे साथ में ही. ओके, दोनों लाइक टर्म हो गए. नेक्स्ट देखते हैं टू एल एम, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है तो 2lm अकेला ही आएगा, इसकी कोई लाइक टर्म नहीं, lm यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. ओके, तो ये एज इट इज आ गया. नेक्स्ट है 2mn, तो ये भी एज इट इज आ गया. नेक्स्ट है हमारा 2nn अकेला, यहाँ पे लास्ट एज इट इज सिंगल टर्म आ गई. अब लाइक टर्म को एड कर दो, तो कौन कौन लाइक टर्म है, एल स्क्वायर उसके साथ लाइक टर्म है एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया यहाँ पे. ओके, यहाँ पे अगेन मैंने ब्रैकेट कर दिया, ब्रैकेट नहीं करते हैं. नेक्स्ट लिखते एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम स्क्वायर की लाइक टर्म एम स्क्वायर, तो दोनों आ गया एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एंड यहाँ पे होगा एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ओके, ये सब हो गया, बट यहाँ पे जो सिंगल सिंगल टर्म है उसको राइट डाउन कर देते हैं. टू एल एम एन, टू एल एम प्लस टू एम एन प्लस टू एन एन. ओके, यहाँ पे टू टू जा टू प्लस टू फोर करके एल एम एन नहीं कर देना और. ओके, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होता है टू एल स्क्वायर, है ना. एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा टू एम स्क्वायर. ओके, वन एप्पल प्लस वन एप्पल टू एप्पल हो जाते हैं, एक्स प्लस एक्स टू एक्स हो जाते हैं. इसी तरह से एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर टू एन स्क्वायर, टू एल एम एन प्लस टू एम एन एन फोर एल एम एन, है ना कि नहीं. ऐसा नहीं होता ना, दोनों लाइक टर्म नहीं है, दोनों लाइक टर्म नहीं है तो कैसे एड होगा. क्या कुछ यस बोल रहा है, टू एल एम एन टू एम एन एड हो सकते हैं, नहीं एड हो सकते दोनों. These two are not the like term. Okay, so it cannot be add. So, इसको as it is write down करो 2lm plus 2mn की like term है? नहीं, ये दोनों like term नहीं है. तो यहाँ पे 2mn plus 2nl. Clear? कोई doubt इसमें? यहाँ पे most important इसको add मत कर देना. 2lm plus 2mn को 4lmn ऐसा मत write down करना. ओके, कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, हायर स्टैंडर्ड वाले भी करते हैं. जब यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हुआ होता तब वो हायर स्टैंडर्ड में कैरी हो जाता है. तो स्टूडेंट्स एकदम से क्लियर पूरे एडिशन कैसे करने है किसी भी एक्सप्रेशन के, कोई डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन है? नो सर, नो कंफ्यूजन है ना, सिंपल. तो थोड़ा ध्यान रखना. ओके, अभी आपको देख के इजी लग रहा होगा बट एक बार एक प्रैक्टिस की नीड है इसमें. ओके, तो ये हो गया हमारा एडिशन. क्वेश्चन नंबर 3 था इज अबाउट एडिशन, अब क्वेश्चन नंबर 4 इज अबाउट सब्ट्रैक्शन. तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है उसको देखते हैं.
सो यहाँ पे है अभी स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर 1:27 में एंड ही होने वाला है, तो रिज्वाइन हो जाना ओके इमीडिएटली, हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे ओके। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसको सबट्रैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैसे सबट्रैक्ट करना है। तो लेट्स सबट्रैक्ट, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 मिनट में। आपको बोला सबट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, अब आपको बोला है सबट्रैक्ट तो इसमें पहले कौन सा एक्सप्रेशन आएगा, किसी को पता है? इसमें से इस सब इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले मैं कौन सा एक्सप्रेशन लिखूं, दिस वन या दिस वन, कोई कह सकता है मुझे स्टूडेंट पहले मैं कौन सा एक्सप्रेशन लिखूं, एनी आंसर? यस सर वो नेक्स्ट वाला, यस सेकंड वाला एक्सप्रेशन पहले आएगा, दूसरा वाला पहले आएगा, क्योंकि ऐसा पूछा है। अगर आपको ऐसा पूछे सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 5 from 8, तो इसका 5 - 8 लिखोगे, 8 - 5, 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो आप क्या लिखोगे, 8 - 5। तो जब भी थोड़ा केयर करना हो कि हमें पता ही होता है कि ऐसा होता है, बट हम थोड़ा स्पीड में जाते हैं ना, क्योंकि हमें ऐसा कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे तो आता ही है, तब हम मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे थोड़ा केयर करना कि इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करना है ओके। इसको पहले हम लिखेंगे सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, सही है? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है इनमें से इसको, तो हम पहले क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखना नहीं चाहिए सब्ट्रैक्शन, बट डायरेक्ट आंसर लिखना चाहिए, बट आपको आइडिया है सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा 12a - 9ab + 5b - 3, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, ब्रैकेट में ही लिखना ओके, 4a - 7ab + 3b + 12 ओके। अब यहाँ पे क्या होगा इज इक्वल टू, फर्स्ट एक्सप्रेशन को ब्रैकेट ओपन करना है फर्स्ट, तो हमें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन एज इट इज 12a - 9ab + 5b - 3, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ओपन करना है मीन्स माइनस इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 7ab - 3b - 12 ओके। तो थोड़ा यहाँ पे इसलिए मैंने एडिशन में ब्रैकेट में लिखा था ओके, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज है, अगर आप ऐसे ब्रैकेट के विदाउट ब्रैकेट माइनस लिख देते तो सिर्फ 4a ही सब्ट्रैक्ट होगा, बाकी सारे ऐड हो जाते ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हमें फर्स्ट, अब सेम हो गया, हमें सिर्फ लाइक टर्म फाइंड करनी है आपका, अब तो सेम ही टास्क है, लाइक टर्म फाइंड कर लेते, अब मैं पेन से करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लाइक टर्म लिखते ओके। तो यहाँ पे 12 है उसकी लाइक टर्म है कोई, 12a वाली यहाँ पे रही 4, तो 12a - 4, और भी देख लेना कहीं पे है लाइक टर्म, नहीं है ओके। नेक्स्ट टर्म इज -9ab - 9ab, उसकी कोई लाइक टर्म है यहाँ पे 5b? नो, हियर इज 7ab, सो प्लस आ गया 7ab ओके। नेक्स्ट इज 5b, बी के साथ लाइक टर्म होगी यस -3b, सो प्लस 5b - 3b ओके। नेक्स्ट है -3, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट के साथ लाइक टर्म होती है कॉन्स्टेंट, सो -3 सेकेंड कॉन्स्टेंट है -2 ओके। अब इन सबको एड कर देते हैं, 12 है एड या सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, सो 12 है -4 है, 12 में से 4 जाए सब्ट्रैक्ट हो आंसर रहेगा 8, -9ab + 7ab, सो -9 + 7 - 2ab + 5b - 3b, 5 - 3 - 2 एंड बी -3 - 12 - 15 ओके। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं, सो इट इज 8a + 2b - 2ab - 15, ये आ गया आपका आंसर, इट इज योर आंसर, कोई डाउट ओके क्लियर ओके। नाउ नेक्स्ट सॉल्व करते सब्ट्रैक्ट इसमें से इस एक्सप्रेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करना ओके। यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ, सो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 5xy - 2yz - 2zx। यस सर एक डाउट है कि ये लास्ट में जो साइंस होती है फिर वो हमें चेंज नहीं करनी होती है, वो कहाँ पे लाइन में कहाँ पे? यस एक मिनट ओके ओके, ये वाली कौन से मुझे यहाँ पे कौन से स्टेप में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ? ये वाले देखो सर, आपको दिख रहा है कैमरा में? नो मैंने ओके अब दिखा, यस यस
यस देखो सर ये यहाँ पे जैसे बुक में किया ओके इसीलिए मैंने बोला था आपके बुक में जो क्या उससे मैंने थोड़े डिफरेंट वे में इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया ओके मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वहां पे बुक में कैसा किया आपको कंफ्यूजन ना ओके तो बुक में ऐसा किया है 12a - 9ap + 5b - 3 वहां पे अगर बुक में जो किया है ना ऐसा किया है कि अगर मुझे 8 - 5 करना है ओके तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि 8 + -5 है ना समझ रहे हो 8 + -5 ऐसा कर मीन्स इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इन दोनों को ऐड कर दूं उसकी साइन चेंज कर दूं क्या हुआ बेसिकली 8 + 5 हो गए जो सेकंड थे उसके साइन चेंज कर दी तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ 12a - 9ab + 5b - 3 उसमें ऐड करूंगा 4a - 7b + 3b + 12 ओके अब क्या करना है यहाँ पे सेकंड जो इसकी साइन चेंज होगी है ना तो यहाँ पे इसकी साइन चेंज हो जाएगी ये जो टर्म है प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस प्लस है तो माइनस प्लस है तो माइनस अब यहाँ पे जो साइन चेंज हुई वही तो अपने आपके गया माइनस प्लस माइनस 4a आ गया माइनस माइनस प्लस 7ab आ गया माइनस प्लस माइनस 3b आ गया एंड माइनस प्लस माइनस 12 आ गया है ना बट मैंने आपको इस तरह से सिंपल वे में कराया ओके यहाँ पे आपको प्रॉब्लम कब होगी पता है जब आपकी टर्म सेम नहीं होगी सपोज यहाँ पे ऐसे कोई स्टूडेंट यहाँ पे a² b² गिवन होती तो आपको थोड़े लिखने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वहां पे कि यहाँ पे कौन सी टर्म लिखूं समझ रहे हो एक तो यहाँ पे सर क्योंकि सर हम ये पहले है ना हमें मींस हम ऐसे ही करते थे ये हम ऐसे ही ये स्टेप कर रहे थे इसलिए स्टैंडर्ड में ना प्रीवियस स्टैंडर्ड में हाँ तो अब तो अब हाई स्टैंडर्ड में अब तो बहुत बेसिक हो गया अब तो आइडिया भी है ना कि इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कोई डाउट नाउ डाउट क्लियर यहाँ पे जो भी जो हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया सेम ऑपरेशन ओके हमें पता है कि अगर मैं माइनस प्लस करूँ तो माइनस इंटू प्लस होता है माइनस जैसा मैं यहाँ पे आपको बोले 5 - 8 सब्ट्रैक्ट करो तब ऐसे ही करोगे ना डायरेक्ट अब आपको ऐसे थोड़े करने जाओ 8 - 5 3 ऐसे करो या ऐसे करो दोनों सेम ही होता है अब क्लियर अच्छे से ओके ओके कोई डाउट नहीं ना आप नहीं ओके इसको भी जस्ट कर देते हो इस तरह से वेरी गुड कि आप अगर कोई भी डाउट है सो फील फ्री टू टेल मी ओके तो आपके आपके कल से और ज्यादा क्लियर होगी ओके आपको पता तो होता ही है बट जो डाउट होते हैं उसको कभी भी हमें हमें सोल्व करना चाहिए जो भी डाउट होता है अगर छोटे से छोटा डाउट होता है ओके अब इसको सेम वे में सोल्व करते हैं 5xy - 2yz - 2zx + 1 उनमें से ओके +10xyz ओके उनमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है दिस वन -3xy + 5yz - 7zx ओके तो यहाँ पे इस इक्वल्स टू कर देते हैं इनको ओपन ब्रैकेट ओपन कर देते हैं 5xy - 2yz - 2zx + 10xyz ओके अब क्या करेंगे यहाँ पे साइन चेंज यस पलक टेल मी तुम कह सकते हो ना अब क्या आएगा आंसर यहाँ पे क्या लिखूं इस माइनस को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हाँ सर यस क्या आएगा यहाँ पे सो हियर इज यस यहाँ पे माइनस इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है तो एम 3xy प्लस है या माइनस प्लस तो माइनस माइनस यस यहाँ पे ओके ब्रैकेट में देखो यहाँ पे ये पूरा ब्रैकेट में है तो यहाँ प्लस है सो माइनस इनटू प्लस क्या होता है माइनस प्लस माइनस है ना तो ये माइनस 3xy अब सेकंड देखो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 5yz थर्ड है माइनस माइनस प्लस प्लस 7zx अब क्लियर ना अब कोई डाउट नहीं आएगा है ना ओके नाउ अब लाइक टर्म फाइंड कर लेते हैं 5xy की लाइक टर्म होती है यहाँ पे 3xy है ओके xyz है ये लाइक टर्म नहीं होगी z है ओके और कोई भी नहीं है इन दोनों को साथ में राइट डाउन कर लेते हैं 5xy - 3xy ओके सेकंड है -2yz सो yz यहाँ पे yz है बट उसके साथ x भी है ये लाइक टर्म नहीं होगी हियर इज yz ओनली yz ओके सो -2yz उसकी लाइक टर्म आ गई -5yz ओके अगर यहाँ पे y²z होता तो वो लाइक टर्म नहीं होती yz तो हमें yz ही चाहिए वो कोई भी नहीं नंबर कोई भी चल सकता है बट जो अल्फाबेट और सेम ही होने चाहिए थर्ड देखते हैं -2zx zx यहाँ पे भी है बट y भी है
ओके एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे रहा जेड एक्स तो माइनस टू जेड एक्स प्लस सेवन जेड एक्स ओके अब नेक्स्ट इज टेन एक्स वाई जेड वो अकेला आएगा इसके साथ कोई भी लाइक टर्म नहीं तो लास्ट में लिख देते हैं टेन एक्स वाई जेड ओके अब यहाँ पे ऐसा करने के लिए नहीं ना एक्स वाई कॉमन ले लू फिर फाइव माइनस थ्री करूँ ये तो आपको पता है ना फाइव एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई अगर फाइव एप्पल माइनस थ्री एप्पल करूँ तो मेरे पास कितने रह गए टू एप्पल यहाँ पे क्या है एक्स वाई इसमें कोई डाउट नहीं ना कि इसको एक्सपेंड करूँ अनदर वे में अगर डाउट है कोई भी नहीं सर ओके तो यहाँ पे माइनस टू वाई जेड माइनस फाइव वाई जेड ओके ये दोनों हो गए अब एक दोनों सेम साइन तो क्या होता है एडिशन फाइव प्लस टू सेवन एंड बिगर है फाइव उसकी साइन माइनस इट इज माइनस सेवन एंड क्या है वेरिएबल वाई जेड क्लियर ओके नेक्स्ट इज माइनस टू जेड एक्स प्लस सेवन जेड एक्स तो माइनस टू प्लस सेवन प्लस फाइव जेड एक्स एज इट इज है ना प्लस टेन एक्स वाई जेड प्लस टेन एक्स वाई जेड ओके तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्लियर कोई डाउट नो ओके ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट क्वेश्चन ओके ये लास्ट क्वेश्चन है ओके सो क्वेश्चन से सॉल्व करें तो आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी तो इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है तो सेकंड एक्सप्रेशन फर्स्ट लिखेंगे एट माइनस थ्री पी माइनस इलेवन क्यू प्लस फाइव पी क्यू माइनस टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस फाइव पी स्क्वेयर क्यू ओके मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है पता है यहाँ पे हमें क्वेश्चन में से यहाँ पे राइट डाउन करना यहाँ पे कहीं भी अगर हमने मिस्टेक कर दी तो हमारा पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा तो यहाँ पे फुल्ली केयर करना ओके तो कैसे मैं यहाँ पे व्हाट इज गिवन हियर ना व्हाट आई एम राइटिंग हियर ओके दोनों में एक बार क्रॉस चेक करना ही चाहिए हमें एग्जाम में तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस फोर पी स्क्वेयर क्यू माइनस थ्री पी क्यू प्लस यहाँ पे लिखता हूँ फाइव पी क्यू स्क्वेयर माइनस एट पी प्लस सेवन क्यू माइनस टेन ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा नीचे राइट डाउन कर लिया ओके इसको आई थिंक नीचे लिखना चाहिए था बट नो वरी क्लियर है ना इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर देते एटीन माइनस थ्री पी माइनस इलेवन क्यू प्लस फाइव पी क्यू माइनस टू पी क्यू स्क्वेयर प्लस फाइव पी स्क्वेयर क्यू ओके फर्स्ट ब्रैकेट तो एजिट ही जाएगा ओके अब यहाँ पे क्या करना है टेल मी यस पलक टेल मी कैसे सॉल्व करेंगे इसको क्या आएगा यस सर फर्स्ट वी हैव टू राइट माइनस 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 फोर पी स्क्वेयर क्यू ओके वेरी गुड माइनस फोर पी स्क्वेयर क्यू माइनस प्लस माइनस नेक्स्ट यस नेक्स्ट प्लस प्लस यस यस प्लस थ्री पी क्यू प्लस थ्री पी क्यू यस नेक्स्ट इज यस एंड देन माइनस माइनस यस माइनस फाइव 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 पी है ना क्यू स्क्वायर नेक्स्ट इज माइनस माइनस प्लस प्लस एट पी सो एट पी यस एंड माइनस प्लस माइनस माइनस यस माइनस सेवन क्यू एंड माइनस माइनस प्लस टेन ओके प्लस टेन एंड एक और चीज क्या जब भी आप नीचे लिखो ना लाइन में आपकी बुक में भी है पूरा नहीं यू कैन नॉट राइट इन वन लाइन ओके तो नेक्स्ट लाइन में कभी भी साइन ना अभी जो भी आप लिखो ना उसको साइन के साथ ही लिखना ऐसा मत लिखना यहाँ पे प्लस एंड यहाँ पे टेन ओके तो थोड़ी इसको केयर करना ओके अब इसको यहाँ पे क्या करना है लाइक टर्म फाइंड करनी है ओके फर्स्ट इज एटीन एटीन के साथ कौन लाइक टर्म है कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड करो यस टेन ईयर हमें पता ही है तो एटीन प्लस ओके नेक्स्ट माइनस थ्री थ्री पी की लाइक टर्म कौन सी होगी पी पी फाइंड करना है पी थ्री के साथ एट पी प्लस एट पी तो यहाँ पे माइनस थ्री पी प्लस एट नेक्स्ट इज इलेवन क्यू 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 यहाँ पे सेवन ओके सेवन क्यू माइनस सेवन सेवन क्यू माइनस सेवन ओके इसको थोड़ा थोड़ा अच्छे से लिखते फाइव पी क्यू वेर इज पी क्यू यहाँ पे थ्री पी क्यू यस यहाँ पे थ्री पी क्यू वेरी गुड फाइव पी क्यू प्लस थ्री पी क्यू ओके नेक्स्ट इज माइनस टू पी क्यू स्क्वेयर पी क्यू स्क्वेयर फाइव पी इस इट यहाँ पे ओके हाँ ओके तो थोड़ा केयर करना पी क्यू स्क्वेयर को यहाँ पी क्यू स्क्वेयर माइनस फाइव पी क्यू स्क्वेयर इट इज माइनस टू पी क्यू स्क्वेयर
माइनस फाइव पी क्यू स्क्वेयर. ओके नेक्स्ट इज माइनस फोर पी स्क्वेयर क्यू, पी स्क्वेयर क्यू है. ओके तो यहाँ पे रहा. ओके ये भी था ना फाइव पी स्क्वेयर क्यू, हमने कंसिडर नहीं किया था. फाइव पी स्क्वेयर क्यू उसकी लैक्टम होगी माइनस फोर पी स्क्वेयर क्यू, माइनस फोर पी स्क्वेयर. यहाँ पे आ गया फाइव पी स्क्वेयर क्यू माइनस फोर पी स्क्वेयर क्यू. ओके ऑल इज हैज बीन कवर्ड, सब आ गए सारी टर्म्स. ओके अब इसको लैक्टम को ऐड कर दें. टेन प्लस एटीन ट्वेंटी एट माइनस थ्री पी प्लस एट पी प्लस फाइव पी माइनस थ्री प्लस एट फाइव पी. ओके माइनस इलेवन माइनस सेवन क्यू, माइनस इलेवन माइनस सेवन क्या होता है माइनस एटीन क्यू. एटीन फाइव पी क्यू प्लस थ्री पी क्यू, फाइव प्लस थ्री एट पी क्यू. ओके माइनस टू पी क्यू स्क्वेयर माइनस फाइव पी क्यू स्क्वेयर माइनस सेवन पी क्यू स्क्वेयर माइनस सेवन पी क्यू स्क्वेयर. फाइव माइनस फोर वन, सो प्लस वन पी स्क्वेयर क्यू को पी स्क्वेयर क्यू ही लिख सकते हैं. ओके इसको अगर हम अरेंज करना चाहे आपके आंसर में अरेंज थोड़ा ऑर्डर में लिखा होगा, इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिख दूं इसको हम ऐसे लिख सकते फाइव पी फाइव पी. ओके ओके इसको पी स्क्वेयर पी स्क्वेयर क्यू से राइट डाउन करते हैं. कोई भी ऑर्डर में आप अच्छे से थोड़ा सफल रहे इसको अगर हम अरेंजिंग करते तो पी स्क्वेयर क्यू माइनस सेवन पी क्यू स्क्वेयर, इसकी कोई नीड नहीं है बट जस्ट आपको देखने में आसानी रहे. प्लस एट पी क्यू प्लस फाइव पी माइनस एटीन क्यू एंड प्लस ट्वेंटी एट. कोइंसिडेंस है पूरा रिवर्स ही हो गया बट ऐसा जरूरी नहीं, थोड़ा इसको कॉन्स्टेंट हम लास्ट में लिखते. ओके तो थोड़ा उसको अरेंज कर देना. तो क्लियर यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ पे एनी डाउट? अब तो क्लियर ना पूरा कैसे no. ना, कैसे सब्ट्रैक्ट करना. ओके तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट हो गई है ना, कोई डाउट नहीं इसमें इस एक्सरसाइज में. तो ओके सो यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं इस लेक्चर को. ओके थैंक यू.